एक होंगे आज ये दूसरी बार जो लड़का जो है आज इसकी डेथ हुई, इसके पहले भी एक करंट स्कोर लगा था उधर छेला में, छेला बी में, तो आज ये हादसा जिनामा को 6:30-7 के दरमियान जो है लड़के साथ हुआ। और ट्रांसफार्मर की हालत आप देख रहे हैं कि ये क्या ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है या क्या झाड़ी है। हमने इससे पहले भी बिजली वालों को इससे पहले भी आगाह किया कि आपके वार्ड नंबर 2 का जो ट्रांसफार्मर उसकी हालत देखो, कभी कहते हैं हमारे पास पोल नहीं, कभी कहते हैं हमारे पास तार नहीं। तो आज जो है लड़का हमारा जो है वो डेथ की चक्कर में, और यही जावेद जो मालिक है उसी के कारण जो आज लड़का हमारा जो है दूसरी बार ये हो जाए करंट की वजह से मौत हो चुकी है। लिहाजा हम इसकी कार्रवाई करना चाहते हैं, हम इसकी कार्रवाई इस हिसाब से बात करना चाहते हैं कि इसकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और लड़के की तरफ तहवस करना चाहिए, लड़के की फैमिली की तरफ तहवस करना चाहिए। आज ये दूसरे छोटे छोटे बच्चे इसके रह गए, उनकी तरफ देखना चाहिए कि क्या करना उन बच्चों के खिलाफ। आज जाने डिपार्टमेंट और जाने लड़का, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, हम यही मांग चाहते हैं लड़के के परिवारों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए, वरना हम रोड के ऊपर धरना देंगे। और ट्रांसफार्मर की हाल देख दो, ये हमने आज से पहले जब 3 साल से हम देते रहे इंटरव्यू, 3 साल हम इंटरव्यू देते रहे कि देखो जना रो इसकी ट्रांसफार्मर की क्या हालत है। अगर ये ट्रांसफार्मर की यही हालत रही, अगर करंट किसी को और भी बजा, इस यही साहब को भी मैंने बोला कि यार ट्रांसफार्मर की देखो क्या हालत है। यही मंडी वाले से मैंने बात की, जो पहला में यही चला गया उससे भी बात हुई, और डी नायक साहब यहाँ से चले गए उनसे भी बात हुई, डी ये रशीद साहब है मैंने फोन किया आज से पहले 10 दिन, और उन्होंने आगे से मुझे वो जवाब दिया कि जो मैंने बर्दाश्त नहीं कर पाया।